हेलो हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज Surbhi एंड वेलकम टू विजुअल्स ऑफ माय लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज इग्नोर दिस फेस, आई एम जस्ट वोकन अप एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग हेयर इन डोडा. सो फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, डोडा एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू में ही जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही खूबसूरत है. जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नज़ारा इतना ज्यादा प्यारा है. आई वोक अप अराउंड 7 AM एंड करंटली इट्स 7:30. वहां से सनराइज हो रहा है एंड यू कैन सी द गोल्डन रेज ऑफ द सन फॉलिंग अपॉन मी एंड अपने आप एक नेचुरल फिल्टर एक्ट कर रहा है मेरे फेस पे. सो आई केम हेयर विद माई फादर. मेरे पापा की यहाँ पे पोस्टिंग है एंड ही वर्क्स हेयर, सो आई थिंक आई वॉज लकी इनफ टू कम अलॉन्ग विद हिम. एंड आई ऑल्सो हैव पीनट, माई पपी, हु इज हेयर विद मी. तो ये लॉन्ग वीकेंड था तो आई थॉट वाई नॉट कम एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस एज वेल. बहुत सी चीज़ें यहाँ पे भी अनएक्सप्लोर्ड है एंड हिडन है. सो प्रॉबेबली डे वन वुड बी अराउंड रिवॉल्विंग अराउंड डोडा सिटी इट सेल्फ, जहाँ पे मैं आपको सिटी का थोड़ा टूर एंड मे बी रोड्स वगैरह जो यहाँ की लोकेशंस हैं जैसे चनाब का वो सब दिखाऊंगी. एंड डे टू आई विल बी हेडिंग टूवर्ड्स भदरवा. भदरवा में भी बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर वैलीज हैं. तो ऐसे ही कुछ 2-3 दिन जाने वाले हैं जो डोडा के अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग टू सी ऑल दीज ब्यूटिफुल प्लेसेज अलॉन्ग विद मी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद दिस व्लॉग. I'm standing outside my kitchen abhi, so now I'm going to make some parathas for me and my father. सिंस यहाँ पे डोडा में मेरे पापा अकेले ही रहते हैं तो हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज रखे हुए हैं यहाँ पे चीज़ों के, तो कुछ भी इतना फैंसी या फिर कुछ वो नहीं है, बट बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज आप कह सकते हो. तो देख लो, वीडियो देखने वालों, Surbhi को सब कुछ काम आता है. आटा भी गूंद दिया मैंने, पराठे भी बन जाएंगे. एंड जो पराठे बनने वाले हैं वो देसी घी के पराठे बनने वाले हैं, क्योंकि ना हमारे पास यहाँ पे रिफाइंड ऑयल है नहीं है, सिर्फ सरसों का तेल रखा हुआ है एंड देसी घी रखा हुआ है. सो जो पराठे बनेंगे वो बनेंगे देसी घी के पराठे. अभी मैं आपको दिखाती हूँ डोडा के खेतों से डायरेक्ट आए हुए अखरोट. आई मीन इनकी क्वालिटी आप देखो, इतने ज़्यादा बढ़िया है एंड खाने में भी एकदम टेस्टी. कुछ चीज़ें होती है ना जो आपको मतलब पता चल जाता है देख के ही एंड टेस्ट करके कि हाँ ये चीज़ अच्छी है या फिर फ्रेश है काफ़ी ज़्यादा एंड टेस्टी भी है. तो ये रहे अखरोट या फिर वॉलनट्स. हे गाइज एंड गुड आफ्टरनून. सो जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि आज का मेरा प्लान जो है वो डोडा सिटी को ही रहने वाला है. सो टुडे आई एम गोइंग आउट विद माई फादर एंड ऑफकोर्स माई पपी पीनट. हम सिटी थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो प्रोबेबली गोइंग टू स्टार्ट विद द गणपत ब्रिज एंड थोड़ा किश्तवाड़ रोड के ऊपर. सो गेट रेडी फॉर सम ऑसम व्यूज कमिंग ऑन योर वे एंड लेट्स गो. सो हम आ गए अपनी गाड़ी के पास एंड यहाँ पे मेरे पीछे है डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम, जैसा कि आप देख सकते हैं. एंड आई मीन यहाँ पे नज़ारा देखिए आप, चारों तरफ पहाड़ पहाड़ एंड पूरा स्टेडियम जो है दैट इज़ सराउंडेड विद द माउंटेन्स. आई मीन कितना मज़ा आता होगा बच्चों को भी यहाँ पे गेम्स वगैरह खेलते हुए. अपना ही एक्सपीरियंस है एक व्यू के साथ या इन्जॉइंग द गेम्स. सो अभी हमने डोडा का गणपत ब्रिज जो है जस्ट क्रॉस किया एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट द डोडा किश्तवाड़ रोड. और यहाँ का आप एकदम से नज़ारा देखें, देयर यू गो द ब्यूटीफुल वैली, द ब्यूटीफुल माउंटेन्स. सो बेसिकली आपको पूरे डोडा में ही जो पूरा डोडा का व्यू है, आपको अगर आप रोड साइड चल रहे हो डोडा किश्तवाड़ रोड पे या भदरवा साइड पे, तो आपको चनाब रिवर का व्यू थ्रू द माउंटेन्स ही दिखता जाएगा, जो बहुत ही खूबसूरत है अपने आप में. और जो चनाब का कलर होता है ना वो भी इतना यूनिकली सुंदर दिखता है, बिकॉज एक तो सूरज की रेज तो है ही है जो बेस्ट फिल्टर एक्ट करती हैं, प्लस जो माउंटेन्स की शेडो जो ग्रीन कलर, तो एक एमरलैंड कलर, एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन कलर है जो चनाब का खिलकर निकलता है. तो जैसे कि मैं बात भी कर रही थी कि आप चनाब का पानी का कलर देखो, देखो मेरे पीछे है जस्ट बिहाइंड मी यू कैन सी द चनाब रिवर एंड यहाँ का कलर बिल्कुल ही डिफरेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ द सन रेज एंड जो माउंटेन्स का आपको शेडोज पड़ रही है जो ग्रीनरी की, उसका कलर प्रॉपरली ग्रीन रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके ऊपर एंड इट लुक्स कम्प्लीटली स्टनिंग.
चेनाब रिवर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिवर्स नोन एज चंद्र एंड भागा, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज चंद्र भागा. एंड यहाँ पे गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो है चंद्र भागा लेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. वो इसलिए है यहाँ पे क्योंकि अगर आप देखोगे मेरे पीछे जो रिवर का वाटर है वो एकदम स्टिल है, स्टैगनेंट वाटर है, तो एक लेक की तरह डेवलप किया जाए उसके हिसाब से भी देखा जाता है यहाँ पर. सो मेक श्योर अगर आपको कभी भी मौका मिले यहाँ पे आने का तो इस चंद्र भागा लेक या फिर पुल डोडा के पास ज़रूर अपनी चेनाब के आस पास अपनी पिक्चर्स वगैरह लेकर जाइए एंड एन्जॉय दिस व्यू. सो एक फन फैक्ट बताती हूँ आप लोगों को, डोगरी में ना जो ज़्यादा घूमता है ना उस लोग उसको कहते हैं फ्रेंथ. तो मेरी मम्मा मुझे जनरली बोलती थी फ्रेंथ पुना पायदा, मतलब ज़्यादा ही घूमती रहती है ये वो. तो आई थिंक मैंने ना पीनट को भी अपने साथ फ्रेंथ बना दिया हुआ है, तो है ना पीनट तो फ्रेंथ बन गया मेरे साथ. दीदी ने देखो फ्रेंथ बना दिया पीनट, है ना बन गया फ्रेंथ. तो जैसा कि मैं अभी आपको नीचे बताया था मैंने कि ये यहाँ पे लेक प्रोजेक्ट का भी काम है गवर्नमेंट का, एंड आई थिंक उसी के रिलेटेड यहाँ पर नीचे अगर आप देखो बोट के वहाँ पे स्टीमर्स वगैरह भी कुछ पड़े हुए हैं, तो आई थिंक ये उसी के अंडर आता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. Hey guys, so I am back from the Doda city tour. Basically, within the city radius, I went around with my father. कुछ places हमने check out की. For example, the Ganpat Bridge, the Pul Doda, and वहाँ से basically चेनाब के views. तो मैंने कुछ pictures वगैरह click की हैं. Yeah, so pictures वगैरह से याद आया. I am very active on my Instagram. If you're not yet following me there, go check out my Instagram. It's visuals of my life, and let's connect there and be friends there. And as you can see, I am sitting in my balcony और यहाँ का view एकदम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर सा पूरी पहाड़ी एकदम से एंड ठंडा ठंडा मौसम. सो बेसिकली आई एम जस्ट एंजॉइंग एंड चिलिंग आउट है. डोडा सिटी में एज सच यू विल ऑब्वियसली फाइंड द गुड व्यूज़ एंड अच्छा सीनिक ब्यूटी है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर. एंड अगर आप थोड़ा आउटस्कर्ट्स में या फिर थोड़ा सा अराउंड 30-35 किलोमीटर रहे तो डोडा की ही अपनी बहुत ही सारी सुंदर जगहें हैं जो आप कवर कर सकते हैं. बट प्रोबेबली फॉर टुमारो आई डो नॉट हैव प्लान्स मैं डोडा में कुछ कवर करूँ. आई विल बी प्रोबेबली हेडिंग टूवर्ड्स भदरवा साइड एंड भद्रवा में मोस्ट प्रोबेबली जय वैली जाऊंगी या फिर पदरी पास रहेगा. एंड अगर टाइम रहा तो आई होप मिल जाए मुझे टाइम. आई प्लानिंग टू कवर वन टेम्पल या फिर वासुकीनाथ टेम्पल और गुप्त गंगा टेम्पल है. सो लेट्स सी कल का दिन कैसे जाता है. सो टुडेज डे वॉज अमेजिंग. आई जस्ट चिल्ड आउट एट माई प्लेस एंड आई थिंक इट वॉज कम्प्लीटली वर्थ इट. कभी कभी आपका मन करता है कि आप बस रिलैक्स करो एक बार आके एंड चिल आउट करो, तो कुछ ऐसा ही रहा मेरा आज का दिन. एंड आई होप आप लोगों को भी डोडा का छोटा सा सिटी टूर भी अच्छा लगा जो यहाँ की सीनिक ब्यूटीज़ है और थोड़ा थोड़ा प्लेसेस का भी आइडिया लगा होगा. सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस ब्लॉग. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस. डू क्लिक ऑन दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट येट. एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.